For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आइसोलेशन में अपने प्यारों के पास रीसेंट पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे होंगे। मैं हूँ राबिया तनवीर, एक माहिर नफ्सियात। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मरहम के प्लेटफॉर्म से। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कुरान पाक की आयत का बहुत खूबसूरत तर्जुमा, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। हाँ हाँ, दुश्वारी के साथ आसानी है। और क्या आप जानते हैं कि दुश्वारी मुश्किल के बाद जो हमें आसानी मिलती है, एक नहीं ज़्यादा आसानियाँ मिलती हैं। और एक और आयत का बहुत खूबसूरत तर्जुमा, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। जी हाँ, आए आज एक बार फिर अपने अल्लाह ताला की नेमतों का, रहमतों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जो हैं वो हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। तो और मैं आपसे और बहुत शुक्रिया आपके खलूस का, आपकी अपनायत का कि आपने मेरी पहली एक दो वीडियोज़ को बहुत पसंद किया। और आज फिर मुझे लगा कि मुझे आपसे चंद बातें करनी है, आपको हौसला देना है। मैं आज अब फिर आपको मोटिवेट करने के लिए आई हूँ, आपके अंदर जो हिम्मत अभी भी है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए आई हूँ। और अगर जिनमें थोड़ी सी हिम्मत कम हो गई है तो हम सब ने एक दूसरे की हिम्मत बन जाना है, हौसला बन जाना है। और आज हम अगर तारीख को दोहराते हुए जाएं तो हम तो इतनी बहादुर कौम हैं कि हमने तो कितनी जंगें लड़ी हैं, हमारी तारीख है, और हमने तो डटकर मुकाबला किया है। आंधी हो, तूफान हो, जलजला हो, तो हमने तो कभी हिम्मत नहीं हारी और हम सब किस तरह एक हो गए। तो अब हमें फिर से एक होना है। देखिए, ये जो वायरस है ये तो छोटा सा वायरस है, और अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है, हमें इतनी ज़्यादा, तो वो तो कहीं बहुत ज़्यादा है ना। तो और मैं एक बात सोच रही थी कि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि देखिए, इस ये जो वायरस है इसकी तो एहतियाती तदाबीर मौजूद है, और अगर एहतियाती तदाबीर भी ना होती तो फिर हम क्या करते हैं? सोचने की बात है ना। तो आए हम अच्छा अच्छा सोचते हैं। और आज की वीडियो वो मेरे प्यारे साथी, मेरे जो हैं जो कि फाइटर हैं, जो कि लड़ रहे हैं इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, और जो अपने अपने घरों में हैं आइसोलेशन में, और जो हॉस्पिटल में भी हैं, हमारी दिल से दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को आ जाएं। और आप लोगों में से जिनको ये जो है पॉजिटिव, जो कि अगर आपको पता चल गया है तो देखें, ज़ुकाम, ये फ्लू, बुखार जो है वो हमें पहले भी हो जाता था। और हमारा, मैं आज आपको एक राज की बात करूं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। राज की बात ये है कि हमारा जो ये माइंड है ना, ज़हन है, इसको हम जिस तरफ लगाना चाहें ना, ये उस तरफ लगना शुरू हो जाता है। मैंने एक तजर्बा करके देखा। तजर्बा क्या किया, चूँकि मैं चाहूँगी कि आप लोग भी तजर्बा करें। देखिए, जब शुरू में वायरस आया तो एक तो ये कि बहुत ज़्यादा, जब भी ख़बरें हम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, ज़हनी दबाव का हम शिकार हो जाते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि ख़बरों से मैंने दूर हटना शुरू कर दिया, कोरोना का जिक्र करना कम करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि मैंने नोट किया कि जब मैंने ख़बरें देखनी कम कर दी, और ठीक है, मैंने जान लिया कि ये वायरस है और ये एक हकीकत है और इसकी एहतियाती तदाबीर भी मौजूद है, तो फिर मुझे लगा कि मैंने अब अपना ख्याल रखना है। तो लेकिन मैंने ना खबरें कम से कम सुन ली हैं, तो ख़बरों से थोड़ा दूर रहें। आपने जितना जानना था जान लिया है, इससे आपकी ज़हनी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
और ये जो हमारी ज़हनी सेहत है इसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त, जो इम्यून सिस्टम, जो कि हमारा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तो हम और फाइट कर सकते हैं, इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ से भी हमें जो है वो होना चाहिए, हमें टेंशन जो है वो कम से हमें नहीं हम उसको कम से यानी कि हम इसका जो जिक्र करना छोड़ते हैं, खबरों से दूर रहें। और आप लोग में से जो आइसोलेशन में हैं और जो कि अपने अपने घरों में हैं, और अगर जो है आप ये किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नफ्सियात कहती है कि हमेशा पॉजिटिव मुस्बत सोच अपनाने की कोशिश करें और इन खबरों से दूर रहें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों में से अगर आप लोगों में से जो लोग जो हैं, देखिए उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे ज़िंदगी तो कभी भी आसान नहीं थी किसी के लिए भी, हमने हमेशा कितनी स्ट्रगल की। बहुत सारे लोग जब आप एक मुकाम पर भी पहुँचे तो उसके पीछे कितनी आपकी स्ट्रगल थी, कितनी मेहनत थी, कोशिश थी। तो आप अगर ये समझ लें या आप अगर ये सोच लें कि ये भी एक इम्तिहान है और ये एक इम्तिहान है और हमने जो है बस हिम्मत और हौसले से काम लेना है, और ज़िंदगी को हम आसान कैसे बना सकते हैं, थोड़ी हिम्मत से, हौसले से, शुक्र से, सब्र से और बर्दाश्त से तो हमारी ज़िंदगी आसान बन सकती है। और ये वक्त भी नहीं रहेगा, वक्त की एक अच्छी बात, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आपको पता है एक और रास की बात कि कभी कभी हमें लग रहा होता है ना कि ज़िंदगी तो बस ख़त्म हो रही है, नहीं, असल में ज़िंदगी वहाँ से शुरू हो रही होती है। और ये बहुत गहरी बात है, और ये सोचिएगा कि कैसे ज़िंदगी शुरू हो रही होती है। और अब ये वो वक्त है कि जब हम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे ना, अब वो वक्त है कि हम अपने आप को वक्त दें, सोचें, जानें और अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ जो रिश्ता है ना उसको मजबूत करें, अल्लाह ताला का बहुत जिक्र करें, बावजू रहें, कुरान पाक की तिलावत करें, 5 वक्त की जो नमाज है इबादत है, और अच्छा अच्छा सोचें। और नींद जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो आपको रात को कोशिश करें हम नींद अच्छी, क्योंकि नींद जो है उससे भी आपका इम्यून सिस्टम को बते मुदाफ़त जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो और ज़्यादा आपका जो है वो बढ़ता है। आप जो है उसके लिए आपको नींद अच्छी लेना ज़रूरी है। इसके अलावा कैथारसिस के ज़राए ढूंढें कि आप देखें कि जो है दिल का बोझ जिससे हल्का हो, आपकी कोई दोस्त, आपका कोई प्यारा साथी और जिसके साथ बात करके आपको बहुत खुशी महसूस होती है, उनके साथ आप बात करिए। आप जो हैं अगर आपके पास डायरी है, जिनको लिखने का शौक़ है वो लिख सकते हैं, और बुक्स पढ़ें, ठीक है। सफाई का बहुत ख्याल रखें क्योंकि सफाई तो निस्तेमान है, तो हमें अपना बहुत ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है। जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे, जितना आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखेंगे, कामयाबी का एक मैं आपको बता देती हूँ कि कामयाबी जो है उसका एक आप कह लें कि उसूल कह लें या फार्मूला कह लें, अगर आपकी नीयत साफ़ है, सबसे पहले अल्लाह ताला पर भरोसा है और आपकी लगन सच्ची है, तो आपको कामयाबी मिलती ही मिलती है, चाहे वो थोड़ी सी देर हो जाए। तो आए हम सब मिलकर एक दूसरे का हौसला बन जाते हैं, और एक दूसरे को हम प्यारा गिफ्ट क्या दे सकते हैं तोहफा इस मुश्किल वक्त में, प्यारी सी मुस्कुराहट, प्यार भरा जुमला, आपकी एक फ़ोन कॉल किसी किसी को जीना सिखा सकती है। इसके अलावा अपना कीमती वक्त और दुआ, तो आए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और मैं आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करें कि हमारा जो माइंड है ना इसको जिस तरफ लगाएं ये लगना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, आप ये सोच लें कि ये हमारा एक इम्तिहान है, जिससे हम ज़िंदगी में और इम्तिहान देते थे, और जो ये भी एक इम्तिहान है, और हम अगर आइसोलेशन आप लोग आइसोलेशन हैं तो हम अगर किसी हॉस्टल में हैं या हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और अब जो है ना हमने जो है वो बस, और आप तो फाइटर हैं, आप तो एक मिसाल हैं कि आज आप लोग जो हैं वो कल बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं कि देखो अगर मैं ऐसे कर सकती हूँ, देखो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आए मिसाल बन जाए सबके लिए, तो आए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की हिम्मत बन जाए। और हम किस किस को बदलेंगे, सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है।
मैं आपसे कहना चाहूँगी, इट्स आवर नेशनल रिलीजियस मॉरल ऑब्लिगेशन कि हमारी जिम्मेदारी है कौमी भी, मजहबी भी, इखलाकी भी, कि हम जो हैं वो प्लीज स्टे होम फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क के लिए हमें जो है वो अपना, हमें अपना ख्याल रखना है कि हम अपने अपने घरों में रहें। और ये वायरस तो सदा नहीं रहेगा, ये तो एक दिन चला जाएगा, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो आए अच्छा सोचते हैं। और मैं जो 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 मेरी हम जो फाइटर हैं, जो कि कोरोना से जो है, जी हाँ जी, इस वायरस से डरना नहीं, फाइट करनी है, लड़ना है, और चंद एहतियाती तदाबीर अपना कर, अच्छा अच्छा सोच कर, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रख कर, इबादत कर कर, बाखसू रह कर, और हम अच्छी और बेहद भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पर आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई आपको, आप किसी उलझन का शिकार हैं, आपको छोटी छोटी सी बात पर बड़ी लगने लगी है और आप कहीं जैसा सोच नहीं रहे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मरहम के थ्रू। मैं आपके साथ हूँ, एक माहिर नफ्सियात दादा तनवीर। और मैं कहना चाहूँगी कि जो फाइट कर रहे हैं, जो इस वायरस को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को, की जुर्रत को मैं दिल से सलाम पेश करती हूँ, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। और आपने मिसाल बन जाना है, आपने तो एक, एक, एक जो है वो मिसाल कायम करनी है, आप तो हीरोज हैं, हमारे हीरो हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छा अच्छा सोचें, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।